अस्सलाम वालेकुम, आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं लौकी गोश्त का सालन। तो लौकी गोश्त बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए देख लीजिए। लौकी गोश्त बनाने के लिए हमें चाहिए लौकी और गोश्त, और इसके साथ चाहिए कुछ और सामान। ये हमने लिया एक बड़े साइज़ का प्याज जिसे स्लाइसेस में काट लिया है, 1/4 कप लिए हमें दही, कुकिंग ऑयल, 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, साबुत मसाले, ये 2-3 तेज़पत्ता, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 6-7 लौंग, 4 छोटी इलायची, 1 फूल जावित्री का, और ये कुछ हमने लिए सूखे मसाले। तो सूखे मसाले में क्या क्या है, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 3 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गैस पे हमने कुकर चढ़ा दिया है, कुकर में हम डाल देंगे 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल। ये हमने 4 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है, तेल गरम हो जाएगा, इसमें डाल देंगे साबुत मसाले। जो ये हमने सारे साबुत गरम मसाले लिए थे ये सब इसी में डाल देंगे। मसाले जो साबुत हमने डाले ये हो गए, अब इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ प्याज। प्याजों को बहुत ज्यादा ब्राउन या गुलाबी नहीं करना है, बस हल्का सा ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। उसके बाद इसमें मटन डाल देंगे। प्याज हमारी हो गई है, इसमें हम डाल देंगे मटन जिसे हमने धुल के साफ करके अच्छे से रखा हुआ था, इसका सारा पानी निकाल के। जो ये हमारा मटन का गोश्त है इसे प्याजों के साथ भून लेना है तब तक जब तक इसका कलर नहीं चेंज होने लगता है। 3 से 4 मिनट के लिए हमने मटन के गोश्त को प्याजों के साथ भून लिया, इसका कलर चेंज होने लगा है। अब इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और जो ये सारे सूखे पिसे हुए मसाले लिए थे ये भी सारे इसी में डाल देंगे। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए भून लेंगे, करीब 2 टेबल स्पून पानी में डाला है, मसालों को भून लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और 3 से 4 मिनट मसालों के साथ मटन को भून लेंगे। अब इसमें डाल देंगे 1/4 कप दही जो हमने लिया था वो भी इसी में डाल देंगे। और जब तक तेल मसालों से अलग नहीं हो जाता तब तक इसको हम भूनेंगे। अच्छा, तो देखिए ये जो हमारा मटन है और मसाले हैं ये अच्छे से भून गए हैं और तेल इसमें अलग अलग दिखाई देने लगा है। अब इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 1 कप पानी और सीटी लगा देंगे। अब इसको हम 1 सीटी लगा देंगे और 10 मिनट के लिए धीमे आंच पे छोड़ देंगे। जब 1 सीटी आ जाएगी तो 10 मिनट इसे स्लो आंच पे रहने देंगे। उसके बाद अपने आप ठंडा होने देंगे कुकर को, फिर खोलेंगे इसका ढक्कन। जब तक हमारा कुकर ठंडा हो रहा है जब तक हम लौकी को तैयारी कर लेते हैं। लौकी को हमने छील लिया है, अब इसके हम टुकड़े काट लेते हैं छोटे छोटे। बहुत छोटे पीस नहीं करेंगे, थोड़े से मोटे मोटे टुकड़े ही डालेंगे। लौकी हमने 1/2 किलो लिया था। अगर आपकी लौकी में बीज हो तो उसे आप निकाल लें, हमारी लौकी में बिल्कुल भी बीज नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट ताज़ी लौकी है। अब एक पैन लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल कर देंगे। ये इसमें हमने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम सारी लौकी डाल देंगे। तेल गर्म हो गया है, इसमें हम डाल देंगे सारी लौकी। और 3 से 4 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लेंगे। लौकी
लौकी को फ्राई करते हुए हमें 5 मिनट हो गए हैं। लौकी हमारी फ्राई हो गई, इसमें से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इसे हम हटा देते हैं और कुकर खोल के देखते हैं। गोश्त तो अच्छे से हो गया है, लाइए इसकी पीसेस चेक करके देख लेते हैं कि ये गले हैं कि नहीं गले। गोश्त अच्छे से गल गया है। अब इसकी गैस हम ऑन कर देंगे और जो लौकी को हमने फ्राई करके रखा था वो भी इसी में डाल देंगे। थोड़ा बहुत जो इसमें लौकी में तेल बचा था वो भी हमने इसी में डाल दिया है। इस टाइम आप इसका नमक मिर्च टेस्ट कर लें, अगर आपको कुछ कम ज़्यादा लगता है तो इसी टाइम आप बढ़ा लें। और इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप पानी और लौकी डालने के बाद इसमें सिर्फ 1 सीटी लगाकर गैस को बंद कर देंगे। बस 1 सीटी आ जाएगी, इसके बाद तुरंत गैस बंद कर देंगे और धीमी आंच पे नहीं रखेंगे और इसके बाद इसे अपने आप ठंडा होने देंगे। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।